बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और हंसता मुस्कुराता रखे, और अल्लाह का ढेर शुक्र है और करम है कि हम सब भी ठीक हैं। और आज आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ में हाज़िर हुई हूँ। तो ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और अभी सुबह का टाइम है, इतनी सुबह भी नहीं है, तकरीबन 10 जो हैं वो बजने वाले हैं। और आज मुस्तफ़ा ने जाना है, अभी कुछ फाइनल नहीं है कि वो बस पे जाएंगे या ट्रेन पे। वैसे इरादा अभी तक तो है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसकी टाइमिंग जो है वो क्या है। अगर थोड़ी देर तक कंफर्म हो गया तो जाएंगे फिर ट्रेन पे, नहीं तो 12 बजे बस निकलेगी तो फिर बस पे ही जाएंगे। तैयारी जो थी उन्होंने कल कंप्लीट कर ली थी अपनी, इस दफ़ा तैयारी मुस्तफ़ा ने खुद की है। और ऐसी तैयारी की है कि मेरा काम जो था वो बढ़ा दिया है। कमरा जो था मेरा पूरा बिखरा पड़ा है, अभी मैंने अंदर से कुछ भी सफाई वगैरह नहीं की है। सुबह से उनके साथ लगी हुई हूँ, उनके थोड़े बहुत काम करवा रही हूँ, घर के काम किए, नाश्ता वगैरह बनाया, तो फ़िलहाल मैंने दूसरा कोई काम नहीं किया। अभी आपको मैं रूम की हालत भी दिखाती हूँ कि मुस्तफ़ा ने रूम की हालत क्या कर दी है। वो इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी जो वो खुद की है क्योंकि मैंने 2 दिन से ब्लॉग जो नहीं बनाया था, इसलिए कि परसों हम लोग गिरे थे बाइक से और थोड़ी बहुत हमें चोटें लग गई थी, और मेरी कोहनी पे लगी थी चोट और बाजू जो था वो पेन थी बाजू में। इसलिए उन्होंने मुझे अपना कोई काम नहीं बोला, अपने कपड़े जो थे खुद ही प्रेस करते रहे हैं, सारे काम अपने उन्होंने खुद ही किए हैं, मुझे इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं बोला। और आज थोड़ी बेहतर थी इसलिए मैंने कुछ उनकी हेल्प की है। बाकी तैयारी तो उनकी हो गई है, अभी वो नहाने लगे हैं मेरा ख्याल, फिर पूछेंगे उनसे कि ट्रेन पे जाना है या बस पे जाना है। भाई भी आ रहे हैं, वो भी बस थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे और फिर जाना है उन लोगों ने इकट्ठे। इंशाल्लाह सुबह तक वो कराची पहुंच जाएंगे। आज यहाँ से जाएंगे तो बड़े भाई जो हैं वैसे कल चले गए थे, लेकिन उन्हें हाफ जो मतलब थोड़ा सा सफ़र किया था, थोड़ा लेट निकले थे वो, तो आगे से बस जो उन्हें सही नहीं मिली तो वो वापस आ गए थे, इसलिए आज जाएंगे। मुस्तफ़ा ने वैसे भी आज ही जाना था तो सोच रहे कि अब दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको अपने रूम की जो हालत है वो दिखाती हूँ। ये मुस्तफ़ा का बैग लिया है न्यू, ये बैग ही लेने गए थे हम लोग बाज़ार और वापसी पे हम लोग गिर गए थे। ये देखें, उनके पास पहले दूसरे वाला बैग था जो दूसरे ज़्यादा कपड़ों के लिए होता है, तो मुस्तफ़ा बोल रहे थे कि मुझे छोटा बैग चाहिए ऐसे वाला और शोल्डर वाला, ताकि 5-6 सूट मुझे चाहिए, वो सूट जो हैं उसमें आसानी से आ जाएंगे। तो ये बैग लेके हम लोग वापस आ रहे थे और हम लोग गिरे थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। रिहान अभी रो रहा है, उसे भी पता चल गया कि उसके पापा भी जा रहे हैं, मुस्तफ़ा भी अभी आ गए हैं, तो तकरीबन रेडी होने लगे हैं अभी टेंशन नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं कहता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तो अल्लाह का शुक्र हम सब भी ठीक हैं। तो आज मेरे जाने की तैयारी हो चुकी है, 10 बजे मैं यहाँ से चला गया। ये देखिए हर तरफ कपड़े कपड़े, हर चीज़ जो है वो बिखरी पड़ी है। रिहान के कपड़े, बेडशीट, ये देखिए ये मशीन पे भी कितना गंद डाल दिया है। ये जूतों के जो डिब्बे होते हैं वो, हर चीज़ तकरीबन जो थी रूम की वो इन्होंने उल्ट पुलट कर दी है। तकरीबन सारा दिन अभी इनके जाने के बाद मैं यहीं सफाई करूँगी, अभी तो हैं थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हैं इनके साथ, बाद में सफाई वगैरह करूँगी। पूरा दिन मेरा लग जाना है हर चीज़ समेटते हुए, तो कोई नहीं कर लूँगी, पहले भी करती हूँ आज और सही। ये एक रिहान लेके आए थे अपने लिए फ्लावर, शॉप पे रुके थे कुछ और देखने के लिए, लेकिन रिहान ने रोना
स्टार्ट कर दिया इस प्रॉब्लम के लिए। मैंने बॉल लेके दी थी पहले, लेकिन रिहान का इरादा था यही लेने का, तो बाद में वो रोएगा रोएगा फिर यही उसने जिद अपनी पूरी कर ली। मैंने सोचा ये लड़कियों वाली चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, जिद कर लें तो उन्होंने पूरी करनी होती है। अभी बाहर आ गई हूँ और रिहान रो रहा है, पहले तो मैं उसे चुप करवा लूँ फिर मुस्कान के साथ भी देखते हैं कि कोई काम हो मुझे करवाना है या है कोई तो बता दें। बाकी का जो ब्लॉग है मैं बाद में ही बनाऊँगी। अब स्टेशन पे आ गए हैं, मुस्कान लोग जो हैं अभी जाने लगे हैं। ये देखिए रिहान भी छोड़ने आया है अपने पापा को। ट्रेन जो है वो भी पहुँचने वाली है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है, थोड़ा सा बस पीछे है वो प्लेटफॉर्म से। ट्रेन आ गई और भाई के लिए चाय बना के लाए थे, वो चाय पी रहे हैं अभी। लोग अभी जा चुके हैं और मैं आके मैंने रिहान को भी सुला दिया है अभी, तो मुझे भी फ़िलहाल आ रही थी नींद। वैसे सोने से पहले मैंने अभी अपना रूम भी साफ़ करना है ताकि रिहान के उठने से पहले जो काम है वो ख़त्म हो जाए। रिहान उठ जाए तो फिर तंग करता है, काम नहीं करने देता, तो इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, मुझे ब्रॉम भी आ रखिएगा लाजमी।